हे गाइस, हाय, वेलकम बैक इन यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट आलोक सिंह। फ्रेंड्स, फाइनली टोयोटा, जो कि आपका जैपनीज ऑटोमेकर है, ने लॉन्च कर दी है ऑल न्यू मोस्ट पावरफुल एंड ज्यादा प्रीमियम टोयोटा फॉर्च्यूनर। गाड़ी में प्लेंटी ऑफ फीचर्स मिलेंगे अगर हम बात करें इंटीरियर की या फिर हम बात करें एक्सटीरियर की। एंड हाँ, गाड़ी का डिजाइन काफी टाइम के बाद चेंज कर दिया गया है। वैसे अगर डिजाइन को चेंज ना करते कोई खास फर्क पड़ता है ना, बिकॉज गाड़ी ऑलरेडी अपने सेगमेंट में बहुत प्यारी लगती है। चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर की। गाड़ी में आपको मिल जाएंगे न्यू एलईडी हेडलैम्प्स, काफी कुछ चेंज कर दिया गया। प्रोजेक्टर हेडलैम्प ज्यादा शार्प है एंड आपकी जो डे टाइम रनिंग लाइट है उसका भी डिजाइन चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप फ्रंट स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, यह है गाड़ी का ऑफिशियल पिक्चर जो कि थाईलैंड में लॉन्च हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में इसका कोई वीडियो ऑफिशियल कंपनी के द्वारा रिलीज किया हुआ या पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। तो जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे आपके टोयोटा फॉर्च्यूनर थाईलैंड मॉडल के फोटोग्राफ्स एंड वीडियो है। एंड सेम मॉडल आपको भारतीय मार्केट में मिलने वाला है बाय नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ, यानी कि इस साल आपको सेम वेरियंट मिलेगा टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो इंडिया में आ रहा है। बट अगर आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर गाड़ी लेने का, आपका बजट बढ़ता है या आपको कुछ गाड़ी चेंज करने का प्लान है नेक्स्ट ईयर, तो आप इस नए मॉडल को ले सकते हो। चलिए दोबारा आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो गाड़ी में जो आपकी एलईडी टेल लाइट्स है, एलईडी टेल लाइट्स को भी दोबारा चेंज कर दिया गया, ज्यादा एग्रेसिव लुकिंग दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रंट में भी एलईडी लाइट्स हैं एंड आपके टेल में भी एलईडी लाइट्स हैं। एंड फ्रंट का जो डिजाइन है चेंज कर दिया गया लाइट का, एंड रियर का भी चेंज कर दिया गया। न्यू फ्रंट बम्पर दे दिया गया आपको। एंड इसके अंदर आपको दो वेरियंट मिल जाएंगे, एक है आपका टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसमें आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील। अलॉय व्हील का डिजाइन गाड़ी में चेंज कर दिया गया है। एंड जो इसका हायर वेरिएंट है, जो आपका थाईलैंड में आता है इंडिया में भी आएगा, उसका नाम रखा गया है टोयोटा लेजेंडर। उसमें आपको मिल जाएंगे 20 इंच के अलॉय व्हील। तो जो बेसिक डिफरेंस है आपका टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड हायर वेरियंट टोयोटा लेजेंडर का, उसमें यही है कि इसमें इन दोनों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स का डिफरेंस मिलेगा। पहले वाले में मिलते हैं 18 इंच, सेकंड वाले में मिलते हैं 20 इंच के। इसके अलावा आपको मिल जाएगा न्यू ऑप्टिट्रॉन मीटर। अब ऑप्टिट्रॉन मीटर क्या है? कुछ नहीं है, बैकलिट गेज है आपका, जिसमें आपको 4.2 इंच का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगा, जिससे कि आपको ज्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएंगी सारी डिटेल्स अपने ड्राइविंग की। इसके अलावा आपका जो टोयोटा फॉर्च्यूनर का मॉडल है जो भी नया लॉन्च हुआ, इसमें आपको मिल रहा है 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम एंड हायर मॉडल लेजेंडर के अंदर आपको मिलेगा 9 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले वाला मॉडल आपका आता था वेरिएंट, जो भी भारत में चल रहा है, उसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले नहीं मिलता था। बट नाउ ऑनवर्ड आपको दोनों ही मॉडल्स में जो आपके आने वाले हैं फॉर्च्यूनर के, उसमें 8 इंच नॉर्मल मॉडल में, हायर मॉडल लेजेंडर के अंदर 9 इंच का इन्फोटेनमेंट मिलेगा एंड दोनों ही सपोर्ट करेंगे आपके एप्पल कार प्ले को। इसके अलावा ऑटो एयर कंडीशनिंग दे दी गई है, ज्यादा पावरफुल बना दिया गया एयर कंडीशनिंग को। तो पहले भी एयर कंडीशनिंग अच्छी थी, बट ये ज्यादा पावरफुल एयर कंडीशनिंग है आपकी और ये पूरी गाड़ी को एक बार में कवर करती है। इसके अलावा गाड़ी में आपको मिल जाएगा स्मार्ट क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, ये पहले नहीं आता था, पहले था आपका नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। अब स्मार्ट क्रूज कंट्रोल क्या है? ये आपका रडार बेस्ड ऑटो क्रूज कंट्रोल है। इसमें होता क्या है, अगर आपने सपोज लॉन्ग ड्राइविंग पे जाना है, आपने 50 किलोमीटर ऑनवर्ड कुछ गाड़ी लगातार चलाई, तो आप उसको ऑटो क्रूज कंट्रोल पे सेट करके रख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन फ्रंट साइड आपका जो आता है यहाँ पे भीड़ भाड़, जो आपका ट्रैफिक मिलता है, उसके हिसाब से आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो काम करेगा, वो स्पीड को कम ज़्यादा करता जाएगा। आपको बार बार मैनुअली अपनी स्पीड को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको इसमें स्टीयरिंग माउंटेड बेस्ड मिल जाएंगे, पैडल शिफ्टर की ऑप्शन काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसी मिरर मिल जाएगा। इसी मिरर बेसिकली कुछ नहीं, आपका ऑटोमेटिक रियर व्यू मिरर होता है एंड इसमें ग्लेयरिंग वगैरह अपने आप कम होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द लाइट विच इज़ पासिंग थ्रू योर मिरर। तो आपकी आंखों में कुछ ऐसे चक्काचौंध वगैरह नहीं लगेगी रियर साइड से जो गाड़ियां आती हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा आपको मिल जाएगा 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स का ऑप्शन। इसके अलावा किक एक्टिवेटेड बैकडोर मिल जाएंगे, यानी कि आपको हल्की सी किक मारनी है पीछे एंड आपका जो बैकडोर है आपके फॉर्च्यूनर का वो ओपन हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन गाड़ी में दे दिया गया है। अब मैं बात करूं इंजन की, तो गाड़ी में आपको मिलता है 2.4 लीटर का इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जो जनरेट करता है आपका 150 हॉर्स पावर का पावर एंड आपका 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा इसके अंदर वेरिएबल टर्बो ऑप्शन, जो कि गाड़ी की पावर को कंटिन्यूस रखता है इरिस्पेक्टिव ऑफ गियर्स, यानी आपने गियर पहला लगाया या चौथा लगाया, आपकी जो पावर है गाड़ी में, आपको इस गाड़ी में पावर की कमी नहीं रखने वाली, ये इसका काम है आपके वेरिएबल टर्बो ऑप्शन का। इसके अलावा आपका जो सस्पेंशन है फ्रंट एंड रियर, दोनों ही इंडिपेंडेंट रखे गए हैं, यानी कि अगर आपने गाड़ी को स्पीड में किसी गड्ढे वगैरह में लगाया, किसी रोड ब्रेकर के ऊपर से लेके गए, तो
जो आगे गाड़ी को सस्पेंशन को फील हो रहा है सेम आपको झटका पीछे बैठ के नहीं लगने वाला। अगर आप पीछे बैठे हो तो उसका भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है गाड़ी के अंदर। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की तो काफ़ी ज़्यादा सेफ बना दी गई है गाड़ी लुक एंड अपीयरेंस वाइज के अलावा। इसमें आपको मिल जाएंगे 6 एयरबैग, GOA स्ट्रक्चर है आपका। अब GOA स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली ये एक नया स्ट्रक्चर है जो टोयोटा ने डेवलप किया है। एंड इसकी खासियत ये होती है कि जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो शॉक लगता है गाड़ी की बॉडी को वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे पिलर्स पे। तो एक पर्टिकुलर पार्ट पे शॉक लगने की जगह वो जो शॉक है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी गाड़ी की बॉडी पे। इस तरीके से कम इफेक्ट पड़ता है अंदर बैठे हुए ऑक्यूपेंट को एंड ये आपको सेफ रखता है। इसके अलावा कोलैप्सिबल स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं आपको, यानी कि आपका जो एक्सीडेंट होगा भगवान ना करे कभी हो तो आपके जो स्टीयरिंग व्हील हैं वो एक साइड में मोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, सीधे वो आपके सामने जाके टकराने नहीं वाले आपकी बॉडी से। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे इसके अंदर ELR सीट बेल्ट के ऑप्शन। अब ELR सीट बेल्ट बेसिकली होता ये है कि आपकी गाड़ी में जब झटका लगेगा एक्सीडेंट होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ शॉक इट इज गेटिंग आपके सीट बेल्ट ढीले या टाइट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड गाड़ी में मिल जाने वाला है TSC जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, VSC जिसको हम कहते हैं व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, HAC मिल जाएगा जो कि होता है आपका हिल स्टार्ट असिस्ट, ABS, EBD आपको मिल जाने वाला है। EBD को बेसिकली हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं तो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाने वाला है टोयोटा कनेक्ट फीचर जो आपको ऑफर करता है थेफ्ट ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, मेंटेनेंस रिमाइंडर, व्हीकल इन्फॉर्मेशन एड्स। इसके अलावा मैं बात करूं इंफोटेनमेंट की तो गाड़ी में आपको मिल जाएंगे 9 JBL स्पीकर, USB कनेक्टर का ऑप्शन सेंट्रल कंसोल में, एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाने वाला है। तो ये सारे फीचर्स आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। अब मैं दोबारा बोलूं कि गाड़ी कैसी है तो मैं यही बोलूंगा आपको कि हाँ देखिए फॉर्च्यूनर हमेशा मैक्सिमम लोगों की पसंद रही है बिकॉज जो प्राइस है गाड़ी का उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है। अगर हम बात करें फ्रंट की, रियर की या साइड व्यू की, अब गाड़ी को इन्होंने ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग दे दी गई है एंड एग्रेसिव बनाने के अलावा फीचर भी बढ़ा दिए हैं। तो काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं जो कहते थे कि यार फोर्ड एंडेवर हल्का सा कम है देखने में कंपेयर करें हम लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर से, बट फोर्ड एंडेवर में फीचर ज़्यादा हैं, तो आज के डेट में ऐसा नहीं है। अब ऑलमोस्ट आपको दोनों गाड़ियों में सेम फीचर मिलने वाले हैं एंड लुक एंड अपेयरेंस वाइज एंड सेलिंग पॉइंट वाइज भी जितना आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर बिकी है आई डोंट थिंक कि इंडिया में इस सेगमेंट के अंदर कोई गाड़ी बिकने वाली है। एंड प्राइस के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो मुझे लगता है आपको इस गाड़ी का वेट करना चाहिए, एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव तो करके देखना ही चाहिए। मैं था आपका होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो आप डे टू डे बेसिस पे ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस करते आते हो एंड मेरा ट्राई यही होता है कि आपको मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।